क्या हाल है भाई सभी के गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या हाल है भाई सभी के उपेंद्र सिवम बी हैप्पी उत्कर्ष प्रवीण नितेश ममता एंड ऑल ऑफ यू क्या हाल है सभी के गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो भाई आज है आप सभी को पता है उनतीस दिसंबर और उनतीस दिसंबर का पहले सिर्फ का रेलवे का पेपर हो गया है खत्म और पहले सिर्फ के सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हम यहाँ पे एनालिसिस एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव जाओ और शेयर कर दो जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई ऐसा तो है नहीं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आया सब के सब पढ़ा हुआ है और आज का पेपर भी वाकई बहुत ज़्यादा आसान रहा बहुत ज्यादा ईजी रहा चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है आज के दिन में जो पेपर्स में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं लेकिन जो बच्चा नया आएगा चलो भैया सब्सक्राइब करना तो आपका काम है सब्सक्राइब करके भाई आप लोग यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हंड्रेड परसेंट सही है सारे के सारे क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों से बात होती है और अभी भी आपको भी बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे बात कराने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से आए हैं किस तरीके से नहीं आए वो सब कुछ आपको कराने वाले हैं सिलेबस सभी को पता है मैथ्स की रीजनिंग की जीकेजेस की क्या क्या सिलेबस है कैसे कैसे चीजें वो सबको पता है चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए आए पक्का सबके सब, सब रेडी हो चलो तो सबसे पहले आते हैं बात करते हैं पेपर के पेपर का लेवल क्या था अगर हम उनतीस दिसंबर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो पेपर का जो लेवल था आज भी वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान था इजी से लेकर मॉडरेट लेवल पेपर का आया हुआ था और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आप पेपर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एकदम इजी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप सारे क्वेश्चन कर पाते थे नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आया था सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था देखो आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों करवा दिया भाई है ना आज तो कुछ भी आपके लिए बच्चे का ना देखो ये हिंदी है उसी का अगला आपके पास इंग्लिश आ गया अब मजा आ जाएगा आपको सबसे पहला जो आज क्वेश्चन देखने को मिला वो ये मिला है कि जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है तो सबको पता होना चाहिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बहुत आसान सा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अच्छा जीएसटी आपको पता है कि भारत में कब आया था सबको पता है कि 2017 में जीएसटी टैक्स को भारत में लागू किया गया था और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आपको कर लेना है अगली बात पर आते हैं जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लागू हुआ था तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है, तो आपको सबको याद होना चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी की सारी चीजें बताते रहना कि भाई क्या क्या क्वेश्चन है किस तरीके से आ रहा है ठीक है तो जीएसटी सबसे पहले कहां कहा लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था बहुत आसान सा क्वेश्चन है यह पूछा जाता जीएसटी में कुल मिला कितने टैक्स है तो कुल मिलाकर तीन टैक्स होते हैं जिसका नाम होता है सी सी जी और आई जी एस टी राइट आंसर क्वेश्चन अगली बात पे आते हैं क्या क्या टैक्स का स्लैब है वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो भाई याद रखे ना कि आपको पता है जीरो पांच बारह अट्ठारह और अट्ठाईस इधर राइट एंसर ऑफ द क्वेश्चन जीएसटी का क्या हो जाएंगे स्लैब हो जाएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है एक क्वेश्चन आया था कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए उमर शेख मिर्जा इधर द राइट एंसर ऑफ द क्वेश्चन बाबर के पिताजी का नाम था अब बाबर भारत कब आया था जरा देख लेते हैं सबको पता है बाबर जो भारत आया वो तो पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी में भारत आया था अकुल मिला के बावन ने चार युद्ध लड़े थे भाई सभी को पता होना चाहिए सबसे जो फेमस युद्ध जो कि आपके कल वाले पेपर में पूछा गया था पानीपत का युद्ध पानीपत के कुल मिला के तीन युद्ध हुए थे तो भी आप सभी को पता है इसके बाद खानवा का युद्ध आप सभी से पूछा आपको पता होना चाहिए बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था चंदेरी के युद्ध लड़ा था और घाघरा का लड़ा था पानी पिया खाना खाया इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस बाबर ने कुल के चार युद्ध लड़े थे बाबर के पिताजी का नाम सभी को बात समझ में आगे की नहीं समझ में आ गई है हाँ, क्लियर है बढ़िया लगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका आपको इंग्लिश जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको इंग्लिश में भी इसकी मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था देखो हर राज्य के सीएम और हर राज्य के गवर्नर इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन जो आया था आया था केरल के मुख्यमंत्री साहब कौन है तो सभी को पता है कौन है पिनरई विजय इधर राइट आंसर क्वेश्चन केरल के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पूछा गया तो हम राज्यपाल को क्यों छोड़े तो आपको सभी को पता आरब मोहम्मद खान इधर राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरे क्या बात क्लियर हो गया सभी को नेक्स्ट पे आ जाओ एक क्वेश्चन आता तेलंगाना के राज्यपाल कौन है तो सभी को पता भाई तमिल साइन सुंदर राजन इधर राइट आंसर क्वेश्चन ये क्या है तेलंगाना के राज्यपाल है एक बार लाइक कर दो सबके सब और जोरदार तरीके से भाई शेयर कर दो जितना लाइक कर पाओ उतना लाइक शेयर कर दो अभी वो भी पढ़ेंगे ठीक है यही पूछा गया था अगले मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो भाई याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अगले क्वेश्चन पे आप सभी के सामने आते हैं कि भाई तेलंगाना कब बना था तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछ पेपर में पूछा जा सकता है क्लियर तो सबको पता चल गया भाई कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है तो सभी को पता होना चाहिए तमिल तमिल साई सुंदर राजन इधर राइट एंसर क्वेश्चन क्या बात सभी को समझ में आ गई अगला जो क्वेश्चन आया था विदेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था जापान के प्रधानमंत्री जी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था सभी को पता सुगा साहब इधर राइट आंसर भी क्वेश्चन ये जापान के प्रधानमंत्री हैं बहुत आसान क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था आज बहुत सारे क्वेश्चन पहले से मिले हुए हैं बहुत सारे बच्चों ने आज क्वेश्चन भेजे हुए अभी वो सबके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जापान की राजधानी पूछा जाएगा तो सबको पता है जापान की राजधानी क्या भाई तो टोक्यो इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जापान की राजधानी हो गई हो सकता है आगे आने शिफ्टों में ये पूछ जाए जापान की मुद्रा क्या है तो याद रखिएगा जापान की जो मुद्रा वो एन है हमने ये कल रात वाले जो नौ बजे की क्लास थी उसमें भी डिस्कस कर रखा था आराम से ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि लाइम वाटर का जो है वो फार्मूला क्या होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक तो लाइम वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं चूने का पानी भी बोलते हैं जिसका जो फॉर्मुला सभी को पता है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सी का होल ट्वाइस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था एकदम इजी क्वेश्चन था क्या बात क्लियर है भाई सभी को एक क्वेश्चन भाई देखो ये क्वेश्चन बच्चे बताया थे, आया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी जरा देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी थॉमसन ने करी थी याद रहा था एक्ट तो उन्होंने कहा भाई सर जी खोज पूछी पूछ गई थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो हमने कहा सबके सब उठा लेते हैं पेपर में कुछ भी बच्चा ना रह जाए प्रोटॉन की खोज किसने की थी गोल्ड स्टीन ने करी हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाएगा तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी हुई थी क्लियर भाई एवरी नेक्स्ट पे आते देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से आया था अगर पच्चीस को डिवाइड करोगे पांच से तो पंद्रह आ रहा है का यहां पे बीस आ रहा तो पैतीस का कितना आ गया ये क्वेश्चन पूछा गया एकदम आसान क्वेश्चन था जब डिवाइड करोगे तो पांच मिलेगा तो तीन का मल्टीप्लाई कर दो आपके पास पंद्रह आ जाएगा जब डिवाइड करोगे तो पांच मिलेगा चार का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीस आ जाएगा जब डिवाइड करोगे आपके पास तो पांच आएगा और यहां पे पांच का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया पच्चीस मिल जाएगा मतलब एक बार ये हो रहा है गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच क्या बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बहुत शानदार बहुत जिंदाबाद बहुत बेहतरीन सबके सब कर लोगे कल सेम टाइप इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया था क्यूब वाला तो क्यूब सारे के सारे याद कर लो तीस तक के एकदम क्यूब याद होने चाहिए किसी भी हालत में आप सभी को पता है ये किसका क्यूब है तो दो का क्यूब है ये किसका क्यूब है तो तीन का क्यूब है ये किसका क्यूब है तो चार का क्यूब है ये किसका क्यूब है भैया पांच का क्यूब है तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा था छह का क्यूब पूछा गया था जो कि क्या होता है दो सौ सोलह होता है सारे के सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है किसी का गलत नहीं हो रहा बहुत शानदार सा

तो अगर नौ की कभी पावर अगर आपके पास ऑड आ जाती है तो याद रखिएगा हमेशा उसका यूनिट डिजिट नौ हो जाता है अगर कभी भी नौ की पावर इवन आ जाएगी तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट एक हो जाता है तो ये जो संख्या लिखी है इवन है कि ऑड है आप कहोगे सर जी ये वाली संख्या तो ऑड लिखी हुई है अगर ऑड लिखी है इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा एक आ जाएगा अरे बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हुई है बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल इस पर आ जाओ चार सौ बारह क्या ये चार से कटता है बिल्कुल कटेगा अगर चार से कटेगा इसका मतलब दो की पावर चार ही इसके क्या जाएगा आ जाएगा तो दो दुनिया चार दुनिया आठ दुनिया सोलह यानी यहां पे मिलेगा लास्ट में छह गुड़ एक यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा छह आ जाएगा आज रात में यूनिट डिजिट का नौ बजे तहका मचा देंगे कोई क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बाहर नहीं जाने वाला पक्का है आज रात में नौ बजे क्या करेंगे जितने भी राज्य के सीएम और राज्य के गवर्नर है वो कर लेंगे जितने भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे एवरेज के दो तीन क्वेश्चन आ जाए थे वो कर लेंगे पक्का है नेक्स्ट पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन आया था भैया ये बताओ कोशिका की खोज किसने करी थी एकदम आसान क्वेश्चन है कुछ भी नहीं था तो कोशिका की खोज किसने की थी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी एकदम आसान तो क्वेश्चन है सिंपल सा हो गया कहां गलती हो गया नौ की पावर अच्छा ये हमारे पास ऑड दे रखा तो नौ आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक सेकंड जरा सा तो आपका क्या हो जाएगा दो दिन चार दिन आज ये नौ हो जाएगा तो नौ छक्का कितना हो जाएगा चौवन यानी कि चार आ जाएगा ये ऑड दे रखा है ऑड दे रखा होगा हाँ बिल्कुल ऑड दे रखा होगा तो यहाँ पे पावर हम यहाँ पे क्या कर लेते भाई नौ कर लेंगे ऑड का मतलब क्या होता है नौ और इवेंट का मतलब क्या होता है एक क्लियर तो इसको चार कर लीजिएगा ठीक चलिए चार कर लीजिएगा नौ छक्का चौवन यानी चार आ जाएगा लास्ट में ठीक है हमने छह गलती से बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है अगले पे आते हैं रॉबर्ट हुक्की खो रॉबर्ट हु ने किसकी खोज करी थी तो कोसका की खोज करी थी एकदम ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आते हैं और भी कई सारे मजेदार क्वेश्चन पे जो आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए जरा देखते हैं सिंपल सा सबके सा, बहुत सारे क्वेश्चन सा आए मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछेगा बस इतना बात समझ लेना अच्छा सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है एक क्वेश्चन आया तो भैया ये बता दीजिए जरा सा एकदम आसान सा क्वेश्चन भाई शेयर वगैरह करते रहो तभी असली मजा आएगा क्या पूछा गया था साठ का स्क्वायर माइनस चौवन का स्क्वायर बताओ क्या होगा कुछ खास नहीं करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यानी एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा क्या साठ प्लस चौवन मिल जाएगा और एक ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा साठ माइनस चौवन मिल जाएगा अब आप चौवन में से साठ माइनस करोगे तो आपके पास छह आ जाएगा इन दोनों को जोड़ लो उसका मल्टीप्लाई कर लो फाइनल आंसर निकालो यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे अरे क्लियर है भैया

कॉस चालीस और कॉस अस्सी इसकी वैल्यू बताओ भैया कितना आएगा अब बताओ ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया कॉस बीस कॉस चालीस कॉस अस्सी हमने अपना में इसको कवर कर रखा था कुछ भी दिक्कत नहीं है हमने कहा भाई देखो कई सारी जगहों पे इसको ऐसे भी आप पढ़ोगे कि ये थीटा लिखा हुआ ये आपका 60 माइनस ठीटा लिखा हुआ और ये आपका 60 प्लस ठीटा लिखा हुआ कई सारी जगहों पे आप ऐसे भी पढ़ लोगे तो यहां से भी निकाल सकते हो जिसका फाइनल जो आता है वो होता है वन अपन फोर कॉस्ट थ्री ठीटा होता है इस तरीके से यानी वन अपन फोर कॉस् थ्री ठीटा यानी थीटा की वैल्यू है बीस तो बीस तैसठ कॉस्ट सिक्सटी आपके पास आंसर आ जाएगा और कॉस्ट सिक्सटी की वैल्यू सबको पता है वन बाई टू होती है तो भाई वन बाई फोर इंटू वन बाई टू करोगे तो आपका ये वन बाई एट हो जाएगा एक तो भाई ये तरीका है जिसको आप आराम से निकाल सकते थे एक दूसरा भी तरीका है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपको और ज्यादा आसानी से हो जाएगा मैंने कहा भाई सिंपल से ये बताओ 20 के बाद 40 दिखा 40 के बाद आपको 80 दिखा गायब कौन है आप कहोगे सर जी बीच में तो कॉस 60 गायब होगा यानी इसका आंसर कॉस 60 आ जाएगा बाहर वन बाई फोर लगा लेना अगर साइन और कॉस कहेगा तो ये भी एक क्वेश्चन आराम से इस तरीके से भी कर सकते थे और ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई जनता को सारी बातें क्लियर अब आते इस पर जरा हम दो तीन क्वेश्चन और भी देख लेते ताकि अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हम इसको छोड़ ना पाए क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकते हैं कि साइन 20 कह दिया साइन 40 कह दिया और आपसे कहा भैया ये बता दो साइन 80 इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपने कहा सर जी साइन 20 40 60 गायब दिख रहा है तो साइन 60 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा लेकिन वन अपान फोर लगा देंगे अगर कभी भी हमारे पास साइन या फिर कॉस दे रखा होता है अगर मान लो यही चीज आप कभी के पास टैन में आ जाए कह दे कि भैया टेन बीस और टेन चालीस और आपके पास कह दे भैया ये लिखा हुआ टेन अस्सी तो आपको याद रखना टेन में भी वही काम करोगे साठ गाय वे तो टेन साठ इसका आंसर हो जाएगा लेकिन यहां पे वन बाई फोर नहीं लगाएंगे इस चीज का याद रखिएगा अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है अरे हाँ या ना पक्का है सबको समझ में आ गया बहुत शानदार सा नेक्स्ट पे आ जाते हैं एक क्वेश्चन आता आसाम के किसी मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो मंदिर कंप्लीट समझ नहीं आया कि कौन सा मंदिर था एक क्वेश्चन आया तो जो पीर पंजाल वाला सुरंग है सभी ने ना शायद नाम सुना होगा पीर पंजाल के बारे में सबसे पहले तो भाई याद रखो ये सुरंग कहाँ पर स्थित हो जम्मू और कश्मीर में ये सुरंग स्थित है और किसके नाम पे बना हुआ है तो अटल जी के नाम पे बना हुआ है तो ये भी याद रखिएगा ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है अच्छा एक और भी चीज़ याद रखो क्या पीर पंजाल सुरंग को एक और चीज़ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया इसको तो याद रखिएगा बनिहाल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई बनिहाल रेलवे टनल भी इसको बोलते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है बहुत तगड़ा बहुत शानदार एक क्वेश्चन देखो आज भी आ गया था कि अर्थ डे का जो है थीम है वो कौन सा है क्या अर्थ डे का कल बच्चे पूछे जा रहे तो क्लाइमेट एक्शन क्या तो जो है वो अर्थ डे का क्या है इस बार का थीम है एकदम आसान क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन क्या बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है एक क्वेश्चन भैया पूछा गया था कि प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको ना बता पाए यानी राष्ट्रपति का आर्टिकल पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा हैं आप आराम से कर सकते हो तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल सभी को पता है बावन से लेकर बासठ के बीच में भैया प्रेसिडेंट साहब के बारे में बात किया जाता है एक और क्वेश्चन आप सभी के पास आ चुका था ये कहा था भैया ये बता दो आईसीसी का हेड क्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ है तो आईसीसी के बारे में सभी ने पढ़ा आईपीएल के जब हमने क्वेश्चन करे थे तो सबको पता होगा आईसीसी का हेड क्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ पर है बहुत तगड़ा तो कहाँ पर है भाई दुबई में है और आई सी सी में अग, दुबई में इस बार क्या हुआ था इस बार का आई हुआ था और इस बार के आई का जो विनर है वो कौन था सबको पता होना चाहिए भाई कौन है हाँ बहुत तगड़ा मुंबई इंडियंस इधर द राइट आंसर भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैथ का ये आप सभी के पास आया था पांच वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है आठ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर तो ये बताओ आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जो है वो कितना प्रतिशत का हुआ है हमने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई अगर सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आपको पता ही आठ बाई पाँच आ जाएगा मतलब कोई सामान आपने आठ में खरीदा और पाँच में बेचा यानी नुकसान हुआ है तीन रुपये का किस पे आठ पे इंटू हंड्रेड कर लोगे चार दुनिया आठ और पच्चीस चौक्सौ तो पच्चीस या पचहत्तर बटे दो यानी बोले तो साढ़े सैंतीस परसेंट का उसे क्या हो गया है नुकसान हो गया है क्लियर है भैया बहुत तगड़ा अब्दुल बहुत बढ़िया सबके सब बच्चे बहुत तगड़ा बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं है इसी चीज़ पे जरा ये क्वेश्चन बताओ सबके सब अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल से कह दे कि भाई चार वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज बराबर टू थ्री वस्तुओं का सेलिंग प्राइस तो ये बताओ उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई सबको क्या कोई एकदम सारी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं तो भाई सिंपल सी बात है कैसे कर पाओगे हम कहेंगे भाई यहाँ पे कॉस्ट अपान सेलिंग कर कितना रेशियो आ जाएगा तो आप कहोगे सर जी तीन अपान चार आ जाएगा यानी तीन में सामान खरीदा है और चार में सामान बेच दिया है कितने का फायदा हो गया एक का कितने पे तीन पे इंटू हंड्रेड बोले तो भैया सौ बटे तीन यानी तैंतीस एक बटे तीन परसेंट क्या सबका आंसर आएगा कि नहीं आएगा कोई परेशानी है नहीं परेशानी तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एक बार शेयर कर लो एकदम आसान क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तो इजीली तरीके से निकाल लोगे क्वेश्चन ये कह रहा था आठ की पावर दस नौ की पावर सात और सात की पावर आठ यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो भाई ये बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे एकदम ये भी आसान क्वेश्चन था कुछ भी नहीं करना तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था कर लोगे भाई अब देखो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स बता सकते हैं ऐसे नहीं बता सकते कि सीधे हम यहाँ पे आठ की पावर ये कर ले तो सबसे पहले आपको पता है इसको दो की पावर चार की पावर दस लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे है ना दो की पावर चार की पावर दस लिख सकते थे कि नहीं इसको तीन की पावर तीन की पावर सात लिख सकते थे और इसको हम यहाँ पे तो आपका सात की पावर आठ हमने लिख ही दिया ये भी प्राइम नंबर हो गया तो दो की पावर दस चौका आपके पास चालीस आ गया ये तीन की पावर करोगे तो सात तक आपके पास इक्कीस आ जाएगा और ये सात की पावर आपके पास आठ दे रखा है अब क्वेश्चन आपके पास सिंपल से यहाँ पे ये भैया क्या हो रहा है बार बार जो है गायब हो जा ज़रूर जो हम लिख रहे हैं ऐ तो सात की पावर यहां पे क्या हो गया आपके पास आठ हो गया सिंपल सा क्वेश्चन कर लोगे अब आपको कुछ करना नहीं बस आप जोड़ते चले जाओ जो, जितना पावर होता है उसमें एक एक क्या कर देते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा ठीक नेक्स्ट पे आ जाते हैं देखते अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई बहुत सारे क्वेश्चन है एकदम पावर क्वेश्चन है आराम से कर सकते क्या करें भैया अच्छा इसको तीन की पावर दो करो सात दुनिया सात की पावर इसको चौदह कर लेना ठीक है चौदह कर लेना तो पंद्रह और नौ चौबीस और इसमें आप जोड़ लो आंसर आपके पास आ जाएगा क्लियर है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा इसको दो की पावर तीन कर लेना है हे भगवान दस त्याँ क्या हो गया भाई तीस हो गया ठीक है इतना ज़्यादा आज क्वेश्चन आसान आसान आ जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल दो की पावर क्या हो गया तीन हो गया तीन की पावर क्या हो गया दो हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाते सिर्फ पावर सब में एट एक ऐड कर लेना एक क्वेश्चन इस तरीके से आता आप सभी ने पढ़ा होगा एसटीएफ गुड़े एलसीएम बराबर क्या होता सबको पता होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कर दो ये आपके पास एलसीएम गुड़े एसटेप हो जाता है यहाँ पे तीन चीजें बच्चे कहते हैं सर जी दे रखी थी एलसीएम एस्टेप दे रखा था हमारे पास पहला दूसरा नंबर हमें आराम से निकाल लेना था तो जो भी दे रखा होगा आप निकाल लेना भई आज डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे ये बात याद रखिएगा कल शाम से डीआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डीआई को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई था मतलब कि बहुत कठिन नहीं था कैलकुलेटिव था आज पजल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे पजल से भी कुल मिला दो क्वेश्चन बच्चे बताइए मैं बच्चों से आपको बात कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा और वन आउट आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था भैया कुल मिला के एक, एक ही क्वेश्चन आया था सिंपल सा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन आया था अभी कैसा क्वेश्चन आया था वो डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन जिससे आपको डर लगता है उससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे भी एन में यही है कि स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन में आपके पास दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सी बात है नेक्स्ट पे आते भाई देखते अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है ये हमने कर ही लिया एक क्वेश्चन आया था अगर ए बी ई e बराबर जो दे रखा है वो आपके पास आठ दे रखा है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था जरा जल्दी से बता दो तो के एल ओ बराबर कितना होगा रुकना नहीं है किसी को सब के सब जरा जल्दी से बताओ तो अगला इसका क्या होगा बार बार बफरिंग हो रहा तो रिफ्रेश कर लीजिए और क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अभी क्लियर हो जाएगा ठीक है सब कुछ कोई बफरिंग नहीं हो रहा एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार क्वालिटी बढ़ा लो एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक आ जाओ भाई कुछ नहीं करना ए का नंबरिंग कितना होता है एक होता है बी कितना होता है दो होता है और ई e कितना होता पाँच पे होता है तो पाँच दो सात एक आठ सबको प्लस कर लो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ये आठ आ जाएगा सेम उसी तरीके से आपको यहां भी के क्या होता है किंग्स इलेवन होता है एल क्या होता है बारह पे होता है ओ क्या होता है पंद्रह पे होता है तो पाँच दो सात एक आठ हो गया और एक एक दो एक तीन यानी ये कितना आ गया भाई अड़तीस आ गया क्या सभी का अड़तीस आ रहा है बहुत बढ़िया सैंतीस वाले बच्चों का हाँ अगले पे आ जाते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया तो जो बाइल जूस होता कि जो पित्त रस होता, वो कहां से होता? अब बताओ कितना आसान है सबको पता हो जाएगा हुक ने किस क्या था डरावना वाले क्वेश्चन जरा समझते हैं कौन सा क्वेश्चन था डरावना क्वेश्चन ये की थीम जो पूछी थी डे की जो थीम पूछी थी वो पूछ ली थी 2018 की अभी ये बच्चा ऐसा तो बता रहा दो बच्चों का सेम मैसेज आया हुआ था कि इन्वायरमेंट डी जो डे है उसकी 2018 के थीम पूछी गई थी ये थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने कर दिया है ऐसा उन्हें करना तो नहीं चाहिए कि 2000 के कहा अच्छा 18 के पूछा जाए लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है तो क्या हो जाएगा बीट प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण इधर राइट आंसर अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बीट प्लास्टिक प्रदूषण बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा अगर भाई 2018 की पूछी गई थी तो भैया बिल्कुल बात सही है और अगर नहीं पूछी गई थी तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपसे 2019 के बारे में पूछा जाएगा सभी को पता हो जाएगा वहाँ प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे क्या था कि बीट एयर पोल्यूशन हो गया था है ना सिंपल सा क्वेश्चन था आराम से क्वेश्चन था बिल्कुल बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा और अगर आपसे 2020 के बारे में पूछा जाएगा तो सबको पता हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा ये टाइम फॉर नेचर इधर राइट एंसर क्वेश्चन ये 2020 की थीम हो जाएगी तो अगर आपसे 2018 के पूछा गया तो भी खुश है 2019 का पूछा जाएगा तो भी खुश हो जाना और 2020 का पूछा जाएगा तो भी खुश हो जाना अरे पक्का है कि नहीं पक्का है एक क्वेश्चन और आया था टाइगर रिजर्व का आपके पास क्वेश्चन दे रखा था टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन कैसा दे रखा था जरा समझते हैं उसके पास चार पांच ऑप्शन आपके पास दे रखा था इसमें से पूछा था कौन सा टाइगर रिजर्व का होगा तो बच्चे ने कहा सर जी उसमें जो सही आंसर आ रहा था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहा था तो भाई आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बात बता दो कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है कौन बच्चा कमेंट करके बता पाएगा बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन कैपिटल के बारे में आया था तो आपके जितने भी पड़ोसी देश है उनके पूरे के पूरे कैपिटल पूरा याद कर डालो फ़ोन मिला मिला के हर देशों में कि भैया आपकी राजधानी क्या है तो भाई सबको पता होना चाहिए जिम कार्बेट वाला बच्चे आंसर बताना शुरू कर दिए उत्तराखंड क्या पूछा गया था भूटान की कैपिटल पूछा गया तो एकदम आसान क्वेश्चन है क्या हो जाएगा थिम्पू इज द राइट आंसर अभी क्वेश्चन भूटान के क्या हो गई कैपिटल हो गई आरबीआई के गवर्नर कई सारे बच्चे बता रहे थे पूछा गया था तो अगर पूछा गया होगा तो भाई बताइए तो क्या करना है आरबीआई के गवर्नर बहुत आसान से क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया था सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूएन के सेक्रेटरी जनरल पूछेगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हाँ तो आरबीआई के गवर्नर साहब कौन थे शक्तिकांत दास इधर राइट आंसर अभी क्वेश्चन ये आरबीआई के क्या हो गए गवर्नर हो गए और सेक्रेटरी जनरल ऑफ आपसे पूछेगा तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है तो आप सभी को पता एंटोनियो गुटेरेस इधर राइट आंसर अभी क्वेश्चन तो खाली गुटेरेस लिख दे पूरा नाम लिखने में अच्छा नहीं लग रहा क्लियर है अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा बात कराते हैं बच्चों के थ्रू और समझते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए कैसे कैसे क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं पेपर में आज का क्या लेवल रहा क्या लेकर जाना था क्या लेकर नहीं जाना था और भी कई सारी दुनिया भर की बातें तो क्या कहती जनता रेडी है भाई सबके सब पक्का है चलो भाई बहुत बढ़िया तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है सब कुछ देखते हैं और बात करते हैं पहले बच्चों से समझते हैं क्या क्या चीज़ें ओके अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले जो है बात कराते हैं आपको भी एक लड़के का बच्चे का नंबर जो है वो थोड़ा सा बिजी जा रहा है तो इनको अभी होल्ड पे रखते हैं अब हम दूसरे पे बात करते हैं अभी वो मिलाएंगे तो फिर हम बिजी जाएंगे ये भी बिजी जा रहा है बहुत नंबर बिजी जा रहा है ठीक है पानी पी लीजिए अच्छा ठीक है पानी लाओ तब ना पिया जाए कि ऐसे ही पी ले जाए खाली बोल दे के सर जी पानी पी लीजिए चलो बहुत सारे क्वेश्चन है अच्छा चलो भैया अच्छा टाइगर रिजर्व आप सभी को पता ही है चलो भैया हेलो नमस्कार भैया क्या हाल चाल हैं आपके है अच्छा ठीक है चलिए अभी जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आपको पता ही होगा आप भी देख रहे होगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अभी आपके साथ बच्चों बात करेंगे और आप जो, -जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उन्हें बताएगा क्या क्या किस हिसाब से पूछेगा क्या, क्या क्या नहीं पूछेगा ठीक है चलिए ठीक है ठीक है ओके बेटा तो भाई देखिए ये बच्चे लाइव है इनका नाम जो है वो आदि है तो आदि भाई आपका सेंटर कहाँ गया था सबसे पहले तो ये बता दीजिए बच्चों को

नहीं फिर ये तो कली वाली बात हो जाएगी ना फिर भी कल भी सारे बच्चे यही बोल रहे थे तो फिर ये तो ना, कि बच्चे जो है ना हो सर जी के ना कोई है। ऐसा तो नहीं कुछ है ना मतलब फायदा हो रहा ना, आपको, बिल्कुल, बिल्कुल सर, अगर कोई बाहर से आएगा तो वही छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे अच्छा 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 चलिए आ रहा है जो आपने पढ़ाया था चलिए बहुत अच्छा तो आपके जीएस के में क्या था मतलब बच्चे पूछा सबसे पहले तो साइंस में कितने क्वेश्चन आए थे सर

है कि नहीं है नहीं सही यार बस ये है थोड़ा मिक्स आ रहे हैं सारे गॉड हां हां वो मिक्स आ रहे हैं चलिए ठीक है चलिए बेस्ट ऑफ हाँ, लक आप सीधे मिलते हैं एनटीबी से सीबीटी 2 के लिए आपसे है ना आराम से पढ़ाई करिए सीबीटी 2 की तैयारी करिए ओके थैंक यू सो मच भैया ओके तो भाई एक तो आपने इस बच्चे से बात कर लिया जिनका नाम है आदि है ना इन्होंने पेपर दिया हिमाचल प्रदेश में इनका पेपर गया था एकदम आसान क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही ईजी तरीके से पेपर हम यहाँ पे इनका जो है आपको पता ही आराम से कर सकते थे अब चलो दूसरे बच्चे से बात करें अच्छा एच का फुल फॉर्म एक बच्चे से पूछा गया था अभी बता रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल 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 तो एच का फुल फॉर्म क्या हो गया हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन भाई कह रहे हैं बच्चे पूछा गया तो ये करा देते हैं एक बच्चे का जिनको हमने सबसे पहले फॉर्म लाया तो उनका और लाइक वगैरह करी दो दादा है ना लाइक कर दो शेयर कर दो कि वो भी कहें हम चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेलो हाँ बेटा अभी तो आपको पता ही है कि हम लोग लाइव होंगे यहाँ पे और अभी जो है आपका सेंट पेपर अभी आप देकर आ रही हो पहले से पे चलिए तो आपको बच्चे से भी बात कराते हैं क्या क्या पूछा गया था क्या क्या नहीं पूछा गया था तो अगर आप क्या घर पे पहुँच गए आप अच्छा तो बात हो सकती है दो मिनट चलिए ठीक है तो भाई सबसे अब बात कराते हैं आपको दूसरे बच्चे से आज के और जो है सबसे पहले तो बेटा आप ये बताइए आपका नाम कहाँ है और सेंटर कहाँ गया था आपका मेरा नाम प्रांचल है सेंटर मेरा दिल्ली में था रोहिणी दिल्ली में रोहिणी में था तो टी सर साइन में ही रहा होगा सेंटर सभी बच्चों का

अच्छा अच्छा क्योंकि रीजनिंग मैंने सॉल्व कर लिया था रीजनिंग बहुत इजी था वो जो नोमेरिकल का गैप होता है ना दो हाँ। के गैप से तीन के गैप से चार के गैप से अच्छा तो नेक्स्ट पांच के गैप से होगा उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी लिखना अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ये हाँ। बताइए कि एनवायरमेंट डे 2018 का क्वेश्चन थीम पूछा क्या? गया था क्या क्या सर एनवायरमेंट डे की थीम पूछी गई थी 2018 की एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हाँ क्वेश्चन था ये मतलब 2018 का ये पूछा गया था हाँ 2018 में पर्यावरण प्रदूषण का फोकस क्या था मृदा प्लास्टिक अच्छा अच्छा और जल ये सब था अच्छा चलिए और पेपर वहाँ बच्चों का अटेंडेंस कितना था बच्चे कम थे ज्यादा थे किस तरीके से थे वहाँ पे uh, बच्चे तो सर कम थे क्योंकि अटेंडेंस में बात हो रही थी 58 के समथिंग बच्चे थे और 58 में से 28 प्रेजेंट थे मेरे में अच्छा। बाकी सबका अलग अलग था मेरी लैब थी किसी का लैब वन में था किसी का सेकंड फ्लोर पे था अच्छा अच्छा और कोरोना से कोई क्वेश्चन तो आया नहीं हमें जीएसटी कौन सा कर फुल आया हुआ था और एक यू एन के सेक्रेटरी जनरल पूछा गया था बाइल जूस से निकलता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन था नहीं ये वाला नहीं था ब्लडन से क्वेश्चंस आए हुए थे कौन सा ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं 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 रीजनिंग अच्छा। का मैंने आपको बताया ना बस वही वाला मेथड था और नहीं था मेरे में रीजनिंग और एक और था हाँ। इसका निष्कर्ष निकालिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा Statement है कंक्लूजन सारी सारी पौधे पुस्तकें हैं अच्छा सब अच्छा, पुस्तकें अच्छा। पुस्तके पौधे हैं इसमें से कौन सा निष्कर्ष ठीक है कौन सा पालन कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन थे अच्छा लगभग सात आठ क्वेश्चन थे मैथ्स में कोई क्वेश्चन आता यूनिट डिजिट से लेके यूनिट इज इट कैसे अच्छा अच्छा चलिए फिर तो अच्छा ये और प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सब पूछा जा रहा है कौन सा प्रॉफिट लॉस वगैरह का क्वेश्चन हो गया लाभ नहीं सर एक्स वाई वैल्यू अनुपात ज्ञात कीजिए अच्छा अच्छा अलजेब्रा के बारह हजार रूपए है उसको तीन साल में वो तेरह हजार तीन सौ दस हो जाते हैं दो साल में बारह हजार दस अच्छा कितने परसेंट इंटरेस्ट हो गया अच्छा 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 साइंस का क्या लेवल था कैसा साइंस का क्वेश्चन बच्चे कर पाएंगे साइंस का सर ज्यादा नहीं था मेरे में तो एक ही था कि चूने के पानी का वो क्या क्या होगा जो क्या होता था, अच्छा चूने का कैल्शियम वाला हाँ। लाइम वाटर ठीक है ये क्वेश्चन थे और आसान मतलब पेपर बहुत ज्यादा आसान था है ना हाँ, पेपर तो आसान था तो आपने क्या मतलब कुछ फायदा हुआ पढ़ के चैनल से कितने दिन से आप जुड़ी हुई हो हाँ, सर मेरे दो तो दस बारह दिन हुए हैं अच्छा तो कुछ फायदा लग रहा आपको हाँ मैंने बस उसी से पढ़ा और उसी से मैं पढ़ के सारा एग्जाम करके आई हूँ चलिए फिर तो बहुत बढ़िया चलिए फिर बेटा चलिए बेस्ट ऑफ लक अच्छा हम लोग करते हैं सीधे सी बी के लिए मिलते हैं हम लोग ठीक है चलिए थैंक यू सो मच बात करने के लिए थैंक यू सो मच तो भाई देख लो पेपर बहुत आसान आ रहा है एक बच्चा और भी है जो भावेश है है ना इन्होंने मैसेज डाला हुआ कि सर आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए हम आपको देख रहे हैं लाइव है ना चलिए तो नोबल से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था और आज से यहाँ पे आराम से क्वेश्चन था आज रोमन वाले नोबल रोमन नंबर के भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए है ना रोमन नंबर्स के भी कोई क्वेश्चन आश से नहीं पूछे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आया था ये भैया इन्होंने दूसरा नंबर दिया और नेटवर्क कैबल अच्छे से ये बाहर चल रहा है तो पेपर जो है इस तरीके से पेपर आसान आ रहा और भी भाई देखो बहुत सारे कोई स्टेटमेंट कांग्रेस से मेरा वीक है स्टेटमेंट कांग्रेस से क्वेश्चन आया था अच्छा ठीक है और भी बताओ भाई सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ तो सकता ये लाइक तो भाई कर ही दो आप लोग है ना जितने बच्चे लाइक नहीं कर रहा हेलो हाँ भावेश से बात हो रही है हाँ भावेश सत्यम बोल रहे भाई हम पेपर आज आपका था पहले शिफ्ट में अच्छा पेपर कैसा गया आपका अच्छा तो अभी आप लाइव हो गए अभी आप देख भी रहोगे तो जो है अभी हम यहाँ पे बच्चों के सामने आप पूछते हैं क्वेश्चन आप बताएँ किस तरीके से पेपर आया क्या नहीं है किस तरीके से आपको क्या क्या हुआ ठीक है बेटा चलिए तो सबसे पहले अभी बात करने वाले भावेश से जिनका भावेश आपका सेंटर कहाँ गया था

अच्छा अच्छा तो आज का मतलब 2018 करंट अफेयर पूछ लेते क्या एनवायरनमेंट डे थीम पूछ लेते उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन वाला वो आ, आ, आ रहा था। अच्छा और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दो साल का दिया है और तीन साल का दिया है अच्छा तो फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है सर तो तो सिंपल ही है तो फिर आसानी हो गया ठीक है और मतलब कुछ अच्छा पढ़ा हुआ आया था जिसने आपने चैनल कब ज्वाइन किया और कितने दिन पड़ा, पड़ा हुआ थे थे इंडिया का जो डायरेक्टर है ठीक है ठीक है पहला ठीक है इलिवाक फोर करके ऐसा कुछ नाम है ना शायद ऑप्शन में दिया होगा कुछ ऐसा किसने ऑप्शन में क्या क्या इलिवाग फोर करके कुछ दिया था ऑप्शन में ऑप्शन सुपर चलिए कोई दिक्कत नहीं मे भी हो है कुछ और का का से से अच्छा, कल भी चंद्रयान का आया था आज भी आ गया कल मंगनयान चंद्रमान ऐसा दोनों के क्वेश्चन पूछे गए तो आपने नौ बजे क्लास कल ज्वाइन करी थी हाँ, सर। अच्छा लग रहा है मजा आ रहा मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है इस चैनल से जुड़ के तो क्या बच्चे का मतलब फ्यूचर हाँ, से सर, सर। उसमें से हंड्रेड परसेंट फायदा मिलेगा सर अच्छा बाहर से जो पब्लिकेशन हाँ, तो हाँ. है उसके घूमने जाओगे उससे बढ़िया कि यहां पे जो एमडी हाँ। क्लासेस से मिला है उसे रिवीजन करोगे ना हाँ हाँ। तो फिर भी आराम से आप सेवेंटी अप मार्क्स ला सकते हो सर चलिए ऐसा नहीं ना कि आप हमसे बात कर रहे हो तो फिर ऐसा बोलने की नहीं सर जो है क्योंकि मैंने एन टी ये एनटीपीसी का जब से आपने शुरू किया तब से हमने एक से ही लेके पूरा जो है मतलब इजी है मतलब किस तरह कौन से पहला शॉर्टकट है सर क्वेश्चन था ग्राम, योजना किसकी प्रेरणा के वजह से आई थी हाँ हा। अच्छा एक सुरंग का भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या सुरंग का कोई क्वेश्चन अटल अच्छा? जी के नाम पे रखा गया था किसी सुरंग का नाम पीर पंजाल सुरंग का नहीं था सर अच्छा अटल का एक हुआ था आपके पास था अच्छा ठीक है दूसरा क्वेश्चन था हाँ कि कि में में से कौन सा वेब ब्राउजर वे नहीं है अच्छा गूगल अच्छा। मार्क किया था उसमें अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया फिर तो फिर कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन था एक क्वेश्चन ये भी आया था कॉस्ट ट्वेंटी कॉश फोर्टी कॉस्ट सिक्सटी

डिमांड का भी कुछ था। अच्छा तो अच्छा क्या अच्छा 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 चलिए ठीक है मतलब पेपर आपने बहुत अच्छा करा है सब बढ़िया अटैम्प हुआ बस अब सीधे हम लोग मिलते हैं सीबीटी टू में सीबीटी टू की किस तरीके से तैयारी करनी क्या नहीं करनी ये पेपर जल्दी से खत्म हो है ना चलिए थैंक यू सो मच बात करने के लिए भाई और आराम से आप जाइए आराम करिए थोड़ा सा आधा एक घंटा फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए सीबीटी टू ओके चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो भाई ये था पेपर आज का और पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है बहुत सिंपल सा पेपर आ रहा है मतलब आप आराम से पेपर कर सकते हो कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है है ना तो आप इजी तरीके से पेपर कर सकते हो तो इजी तरीके से आप एकदम तो जो है पेपर कर सकते हो कोई बिना परेशानी का बिना दिक्कत का मतलब कुछ भी नहीं है देखो दो तीन बातें आपको समझ लो कि क्या क्या पेपर में कैसे कैसे आ रहा है बहुत ज़रूरी चीज़ समझिएगा क्या है जैसे देखो आप अभी देख रहे होगे कल हमने जो क्या किया जितने भी फुल फॉर्म थे कवर कर दिया जितने भी चीज़ें सब हमने कवर कर दी आज क्या कवर करेंगे आज रात में नौ बजे हम करेंगे जितने भी आपके सीएम है क्योंकि सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हर राज्य के सीएम आज रात में नौकर नौ बजे कवर करेंगे हर राज्य के जो गवर्नर है वो आज रात में नौ बजे कवर करेंगे कैपिटल पूछी गई थी तो आपके राज्यों की जो कैपिटल्स है वो रात में नौ बजे कवर करेंगे टिग्नोमिटी से क्वेश्चन आया तो टिगोनो के आज हम रात में नौ बजे कवर करेंगे एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है तो एवरेज को रात में नौ बजे कवर करेंगे मतलब और भी कई सारे टॉपिक रात में नौ बजे हम यहाँ पे कवर करेंगे और शाम को छह बजे पूरे के पूरे दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का दोनों के दोनों एनालिसिस लेकर आएंगे मतलब कुछ बचा नहीं रहेगा इस बात को याद रखिएगा तीसरी बात है देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हु मतलब एकदम ही मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मैं प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हुपा हु जो है ये इसी सारे के सारे बुक से मिल रहे हैं अगर आपको अच्छी में प्रैक्टिस करनी है एकदम ओरिजिनल प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से तो हमने जीएस के दो टॉप क्वेश्चन बना रखे नीचे आपको लिंक दिया जाके डाउनलोड कर लीजिएगा मैथ्स के भी दो हज़ार जबरदस्त क्वेश्चन बना रखे हैं पूरी ज्योमेट्री का नोट्स दे दिया कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने लें इसमें आपको नोट्स भी है और एक सौ पैसठ क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी है इसके नाम आपके पास मॉक टेस्ट हमने दस दे रखे हैं जिसका आपको एकदम एग्जाम एक जैसे आपको जो है कंप्लीट सामने सब चीजें मिलेंगी और आपको टेक्नोमेट्री से भी सारी चीजें मिलेंगी मतलब ये समझ लो अगर आप जुड़े हो तो वाकई हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन पक्का है कुछ आपको नहीं कोई रोक पाएगा ओके चलिए तो फिर मिलते हैं सीधे शाम को छह बजे तब तक के लिए इंजॉय करिए मजा करिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू सो मच गाइज और आपको अभी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी ठीक है उसके लिए परेशान मत होइएगा ओके थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू सो मच गाइज